अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम नीड, नीड टू, नीडेड और नीडेड टू को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। इसको हम किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, कन्फर्मेटिव, इंटरोगेटिव, तमाम तरह के सेंटेंसेस हम देखेंगे और बनाना सीखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो के बाद इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें नीड। नीड जो है इसका हमारा जो सेंस निकलता है वो चाहिए के सेंस में निकलता है। जैसे हमें कुछ चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, ठीक। डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर एक्वायरिंग नेसेसिटीज़। इट इज़ चाहिए, ठीक है। और वो चीज़ जो है वो ज़रूरी हो, कोई हमारी ख्वाहिशात यानी कि वो लग्जरी टाइप चीज़ें ना हो, बल्कि वो हमारी एक नेसेसिटी हो, ज़रूरत हो। नेसेसिटी यानी हमारी ज़रूरत को जाहिर करता है नीड, ठीक है। अब देखें सेंटेंसेस अगर हम देख लें, तो जैसे मुझे पानी चाहिए, तो पानी चाहिए तो ये पानी जो है मेरी नीड है। मैं कोई ख्वाहिशात नहीं कर रही, यानी कोई मैं विश नहीं कर रही हूँ, कोई लग्जरी की ख्वाहिश नहीं कर रही हूँ, ठीक है। वॉन्ट, वॉन्ट जो है हमारा इसी सेंस में वॉन्ट यूज़ होता है, चाहिए के सेंस में। लेकिन वॉन्ट जो है हम कोई चीज़ ऐसी चाह रहे होते हैं जिसके बगैर हम रह भी सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। बस ये कि हमारी ख्वाहिश होती है कि हम वो चीज़ इस्तेमाल कर सकें। लेकिन नीड जो है वो ऐसी चीज़ें हैं जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, ठीक है। यानी नीड अगर हम सिंपल वर्ड में बोलें तो नीड हम जब यूज़ करेंगे जब हमें वो चीज़ चाहिए हो जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, यानी वो हमारी ज़रूरी है। मुझे पानी चाहिए, तो पानी क्या है, बेसिक नीड है, वो मुझे चाहिए। अभी मुझे प्यास लग रही है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी पहले पानी चाहिए मुझे। उसे खाना नहीं चाहिए, यानी वो खा चुका है, उसको खाना नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए उसको खाना, ठीक है। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंस में भी यूज़ करेंगे, हम इसको सवाल पूछने के सेंस में भी यूज़ करेंगे। जैसे क्या उसे खाना चाहिए, मैं दूँ या ना दूँ, क्या उसे खाना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेज हम नीड से बनाएंगे। तो चलें इसका फॉर्मूलाज देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, देखें अफर्मेटिव फॉर्मूला है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नीड, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें जो है ऑब्जेक्ट आएगा, कोई एक्शन नहीं जाहिर करना होगा, बल्कि हमें सिर्फ ये बताना है कि कोई चीज़ हमें चाहिए, ठीक है, कोई चीज़ हमें चाहिए। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि सब्जेक्ट आएगा, फिर डू डस और नॉट, फिर नीड और फिर आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर जो नीड है, अब जो यहाँ पर नीड है ना, जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम होंगे ना, तो हम क्या लगाएंगे नीड में एस का इजाफा कर देंगे, सही है। तो वो नीड्स हो जाएगा जब ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम आएगा सब्जेक्ट के अंदर। और जब यू, ठीक है, वी, दे, आई और प्लूरल नेम होंगे ना, तो क्या होगा, जब हमारा ये नीड है लगेगा, सही है। और डू भी, डू और डज भी इसी तरह से यूज़ होगा। डू जब लगेगा, जैसे नेगेटिव में डू है ना पहले, डू नॉट जब लगेगा, जब यू, वी, दे और एनी प्लूरल नेम ये वाले होंगे, ठीक है। और डज नॉट जब लगेगा, जब ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम ये वाले होंगे, ठीक है। तो ठीक, तो अब क्या करेंगे कि हम सब्जेक्ट आएगा, फिर डू डज, तो सब्जेक्ट आएगा, डू डज नॉट, फिर आ गया नीड। अब नीड में एस का इजाफा नहीं होगा, बस ऊपर वाले में एस का इजाफा जब होगा, जब ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम सब्जेक्ट में आ जाएंगे, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। कन्फर्मेटिव में क्या होगा कि डू डज पहले आ जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर नीड और फिर ऑब्जेक्ट। डू डज उसी हिसाब से लगेगा, ठीक है। और इंटरोगेटिव में क्या होगा, डब्ल्यू एच फैमिली आएगा और फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नीड, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चलें हम इसको सेंटेंसेस की मदद से देखते हैं ताकि और अच्छी तरह से इसको समझ पाएँ। चलें देखते हैं। देखें सेंटेंस क्या है, मुझे पानी चाहिए, ठीक है। आई नीड वाटर, मुझे आए, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया आए, आई के बाद नीड लगा, क्योंकि आई है तो आई के साथ नीड लगेगा, एस का इजाफा नहीं होगा अभी, ठीक है, क्योंकि ना यही है, ना ही शी है, ना ये इट है, ठीक है, ना सिंगुलर नेम है। तो आ गया, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, पानी, वाटर, ठीक है। आई नीड वाटर, मुझे पानी चाहिए, आई नीड वाटर। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं इसका, मुझे पानी नहीं चाहिए। बस क्या होगा कि यहाँ पर क्योंकि आई है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो डू नॉट लग जाएगा, ठीक है, आई डू नॉट नीड वाटर। अब इसका कन्फर्मेटिव क्या होगा, क्या मुझे पानी चाहिए, तो डू पहले आ गया, फिर आई नीड वाटर, ठीक है। डू आई नीड वाटर, डू आई नीड वाटर,
अब इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस देखें क्या है, मुझे कितना पानी चाहिए, कितना पानी मुझे चाहिए, हाउ मच वाटर डू आई नीड, हाउ मच वाटर डू आई नीड, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस बनाएंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जो कि हमारा नीड्स वाला होगा, ठीक है, जिसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर का मैंने यूज़ किया हुआ। चलो देखते हैं वो सेंटेंस क्या है। मेरे भाई को साइकिल चाहिए। मेरा भाई जो है थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, एक भाई को, मेरे एक भाई को वो चाहिए साइकिल, है ना। तो माय ब्रदर नीड्स, अब नीड में एस लग गया, ठीक है। माय ब्रदर हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट नीड आया, वर्ब की यानी कि जो मॉडल है हमारा नीड, उसमें एस लग गया, नीड्स अ साइकिल, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, माय ब्रदर नीड्स अ साइकिल। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, बस क्या हो जाएगा कि डज नॉट लग जाएगा। अब देखें माय ब्रदर डज नॉट नीड अ साइकिल, अब नीड में एस नहीं लगेगा क्योंकि डज में डू ने ईएस ले लिया है, अब नीड में नहीं लगेगा। माय ब्रदर डज नॉट नीड अ साइकिल, क्या मेरे भाई को साइकिल नहीं चाहिए, क्या मेरे भाई को साइकिल नहीं चाहिए। अब देखें यहाँ पे इस तरह का सेंटेंस बन गया, लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरह बना दिया, डज माय ब्रदर नीड अ साइकिल। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्योंकि ये कन्फर्मेटिव का भी नेगेटिव है, यानी कन्फर्मेटिव नेगेटिव हो गया ये, तो हम यहाँ पे डज में सिंपली नोट लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, डजंट बना देंगे इसको, डजंट माय ब्रदर नीड अ साइकिल, डजंट माय ब्रदर नीड अ साइकिल, और अगर नहीं होता तो क्या होता, डज माय ब्रदर नीड अ साइकिल, ठीक है। अब देखें ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस, मेरे भाई को साइकिल क्यों चाहिए, वाई डज माय ब्रदर नीड अ साइकिल, क्यों के लिए वाई आ गया, फिर डज माय ब्रदर नीड साइकिल। अब देखें अगर यहाँ पे भी होता मेरे भाई को साइकिल क्यों नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे भी डज में ही नोट लगा देते, जैसे वाई डजेंट माई ब्रदर नीड अ साइकिल, वाई डजेंट माई ब्रदर नीड अ साइकिल। ये दो तरह के भी सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन जो है ना यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं होती है ना, तो इस वजह से मैं इसको ऐड नहीं करती, लेकिन मैंने आपको बता दिया इस तरह से, ठीक है। मैंने ऐसे सेंटेंसेस लिए हैं जो चारों ही अलग अलग होंगे, उसका कन्फर्मेटिव भी, नेगेटिव भी, अफर्मेटिव भी और इंटरोगेटिव भी, ये चारों अलग अलग सेंटेंसेज होंगे। तो देखें, मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मुझे 10,000 रुपये चाहिए, यानी मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, मुझे 10,000 रुपये चाहिए। आई नीड 10,000 रुपीज़, आई नीड 10,000 रुपीज़। उसे खाना नहीं चाहिए, शी डज नॉट नीड फूड, शी डज नॉट नीड फूड, क्योंकि वहाँ पे मुझे 10,000 रुपये चाहिए, तो वहाँ पे आई था, ठीक है, तो आई के साथ हमारा सिंपली नीड लगा और हमारा जो हमारा ऑब्जेक्ट तो आ गया 10,000 रुपीज़, ठीक है, आई नीड 10,000 रुपीज़। अब यहाँ पे उसे खाना चाहिए, तो उसे क्या है, वो थर्ड पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे मेरा ख्याल था कि वो एक लड़की है, उसे, ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा ख्याल होता कि वो लड़का है तो ही आ जाता, लेकिन है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही ना, तो डज नॉट लगेगा उसके साथ, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है। तो शी डज नॉट नीड फूड, नीड में एस नहीं लगा क्योंकि डज डू ने ईएस ले लिया, ठीक है। ये मैं बार बार रिपीट करती ताकि एक आपके दिमाग में बात बैठ जाए, ठीक है। क्या तुम्हें कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम्हें कुछ पैसे चाहिए, तो तुम्हें क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है इसलिए डू लगा, तो डू पहले आ जाता है कन्फर्मेटिव में, डू यू नीड सम मनी, डू आया सब्जेक्ट, फिर नीड, फिर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, डू यू नीड मनी, डू यू सम नीड, डू यू नीड सम मनी, ठीक है, कुछ पैसे चाहिए। फारूक और अदनान को क्या चाहिए, फारूक और अदनान को क्या चाहिए, ठीक है, वहाँ पर कहता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए, अब यह फारूक और अदनान को क्या चाहिए, तो कन्फर्मेटिव क्या होता है, कन्फर्मेटिव में हाँ या ना का जवाब देते हैं, जैसे कि हमने उससे सवाल किया कि क्या तुम्हें कुछ पैसे चाहिए, तो वो कह देगा यस, और नहीं चाहिए होंगे तो बोल देगा नो। अब ये क्या है कि फारूक और अदनान को क्या चाहिए, अब फारूक और अदनान बताएंगे कि भाई उसको क्या चाहिए, या अगर हम फारूक और अदनान के बारे में किसी से बात कर रहे हैं तो वो बताएगा कि फारूक और अदनान को ये चाहिए, ठीक है, तो एक तफसीलन जवाब देगा, वो उस चीज़ का नाम बता देगा, ठीक है। तो इसलिए ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेट यानी पूछताछ करने वाले सवाल, ठीक है ना। तो देखें ये क्या है, व्हाट डू फारूक एंड अदनान नीड, ठीक है, क्या चाहिए, तो फारूक और अदनान क्या हैं हमारे प्लूरल नेम है, ठीक है, दो नाम है ना, थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल है, तो इसलिए हमने यहाँ पर डू लगाया, व्हाट डू फारूक एंड अदनान नीड, ठीक है, इस तरह से। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो देखें नीड को हम एज अ ज़रूरत है के सेंस में भी यूज़ करते हैं, और बेसिकली इसका यूज़ ही ज़रूरत है के सेंस में ही यूज़ हो रहा होता है, बस एक ही हम वर्ड चाहिए का भी यूज़ कर लेते हैं।
हूँ, और इसके लिए जो है सेम वही रूल रहेंगे। जहाँ जहाँ आपने चाहिए चाहिए बोला है ना, वहाँ ज़रूरत है का भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हो और सेंटेंस वो दुरुस्त होगा। ठीक है, तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, कन्फर्मेटिव, इंटरोगेटिव जितने भी सेंटेंसेज हैं ना, वो सारे के सारे इस तरह से हमारे बन सकते हैं। तो ज़रूरत है के सेंस में देखें, सेंटेंस क्या है, उन पौधों को पानी की ज़रूरत है, उन पौधों को, तो दीज प्लांट्स। ठीक है, दीज प्लांट्स क्या है कि प्लूरल हैं। ठीक है, तो नीड आया उसके साथ और वाटर, दीज प्लांट्स नीड वाटर, उन पौधों को पानी की ज़रूरत है। तो वही अफर्मेटिव वाला रूल लगा यहाँ पर। ठीक है, मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड योर एडवाइस। ठीक है, मुझे तुम्हारे मशवरों की ज़रूरत नहीं है। क्या उन्हें उन फूलों की ज़रूरत है, डू दे नीड दीज फ्लावर्स, है ना। इस तरह से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे और इंटरोगेटिव भी बना लेंगे इनका सेंटेंस। ठीक है, तो अगर हम बोलना चाहें कि इन पौधों को कितने पानी की ज़रूरत है, तो हम क्या बोलेंगे, हाउ मच वाटर डू दीज प्लांट्स नीड, इस तरह से बना देंगे ना। हाउ मच वाटर लगाएंगे, फिर उसके बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब डू है, फिर आ जाएगा दीज प्लांट्स, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आ जाएगा, नीड। ठीक है, वाटर क्योंकि हाउ मच के साथ लग गया पहले ही, तो हाउ मच वाटर डू दीज प्लांट्स नीड। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस को बना देंगे। तो सेम वही रूल लगेगा, बस ज़रूरत है का वर्ड आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। अब हम नीड का पास्ट यूज़ देख लेते हैं। ये तो हमने प्रेजेंट में यूज़ किया है ना, प्रेजेंट में यूज़ किया नीड को। अब हम ये नीड का पास्ट यूज़ देख लेते हैं, जो कि हम नीडेड यूज़ करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा है नीडेड, ज़रूरत थी, चाहिए था। तो ज़रूरत थी भी इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है, और चाहिए था के लिए भी वर्ड इस्तेमाल हो सकता है इसके लिए। ठीक है, तो देखें इसकी डेफिनेशन क्या है, इट शोज समवंस नीड ऑफ द पास्ट। ठीक है, यानी किसी को पास्ट में कुछ चीज़ की ज़रूरत थी, कि ज़रूरत होगी कि नीडेड है यहाँ पर। तो जैसे हमें एक किराए के घर की ज़रूरत थी, या हमें एक किराए का घर चाहिए था, तो हमें किराए का घर चाहिए था, तो वो हमें पास्ट में चाहिए था, हमें पास्ट में उसकी ज़रूरत थी। अब हमें वो किराए का घर मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरह से अब देखें, ये मुझे मदद की ज़रूरत नहीं थी, तुमने मेरी फालतू में मदद कर दी, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं थी, मैं खुद कर लेता ये काम, है ना। ठीक, कुछ फार्मूलाज क्या हैं, देखें फार्मूला है अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट, नीडेड और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये सरस का इजाफा वगैरह वाला झंझट है ही नहीं, बस नीडेड है सबके साथ लगा दो, सब्जेक्ट में आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, शी हो, इट हो, एनी सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम, जो भी हो, उसके साथ नीडेड लगा देंगे, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ही आएगा, कोई चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, वह नीड भी, नीड में भी और नीडेड में भी। ठीक है, किसी चीज़ को चाहिए कि किसी चीज़ की ज़रूरत है। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट डिड नॉट आएगा और फिर आएगा नीड। अब नीड में ईडी नहीं लगेगा, मतलब थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी नीड की, बल्कि क्योंकि डिड जो है डू की सेकंड फॉर्म अब यहाँ पे आ चुकी है, इसलिए उसके बाद अब फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और डिड नॉट सबके साथ लगेगा, सब्जेक्ट में जो भी हो। कन्फर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नीड, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डब्ल्यू एच फैमिली, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नीड और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद रखना है कि इन तीनों में नीड आएगा, नीडेड नहीं होगा, क्योंकि डिड यहाँ पे हमारा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो चुकी है। तो चलिए सेंटेंस की मदद से देखते हैं, ताकि इसको अच्छी तरह से समझ सकें। पहला सेंटेंस है, हमें एक किराए का घर चाहिए था, वी नीडेड अ रेंटल हाउस। ठीक है, या इस तरह भी बोल सकते हैं, वी नीडेड अ हाउस फॉर रेंट। ठीक है, वी नीडेड अ हाउस फॉर रेंट भी बोल सकते हैं। हमें किराए के घर की ज़रूरत नहीं थी, नेगेटिव सेंटेंस, वी डिड नॉट नीड अ रेंटल हाउस, डिड नॉट आ गया, उसके बाद नीड अ रेंटल हाउस। ठीक है, क्या हमें एक किराए का घर चाहिए था, डिड वी नीड अ रेंटल हाउस। देखें ज़रूरत है, सेम जुमले को जो है ज़रूरत है, ज़रूरत थी के सेंस में भी यूज़ करते हैं, चाहिए था के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर हम अगर चाहिए था आ रहा है, और चाहिए है आ रहा है, ज़रूरत है आ रहा हो, तो दोनों में सेंस में हम यही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कोई भी हमारी मर्ज़ी जो है हम वो लगा सकते हैं, बस ये हमें सेंस ये है कि कोई चीज़ की ज़रूरत है, कोई हमारी कोई लग्जरी की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि वो ज़रूरत है उसके चीज़, वो चीज़ हमें भी ज़रूरत है, उसके बगैर हम कुछ रह नहीं सकते। ठीक है, हमें एक किराए के घर की ज़रूरत क्यों थी, वाई डिड वी नीड अ रेंटल हाउस, वाई डिड वी नीड अ रेंटल हाउस, हमें क्यों ज़रूरत थी भाई। ठीक है, क्योंकि मालिक मकान ने कह दिया था कि घर खाली कर दो, तो इसलिए हमें ज़रूरत थी, या आप सेटल डाउन हो गया मालिक मकान के साथ,
मामला तो इस वजह से नहीं है, या तो हमें नया घर मिल चुका है इस वजह से किराए के घर की ज़रूरत नहीं है। तो ये दो सेंस हो सकते हैं, तो ये पास्ट में थी ज़रूरत भाई। ठीक है, अब एक सेंटेंस ऐसा देखते हैं जिसके अंदर सारे अलग अलग होंगे, अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी, कन्फर्मेटिव भी और इंटरोगेटिव भी। तो देखें पहला सेंटेंस क्या है, उसे 20,000 रुपये चाहिए थे, ही नीडेड रुपीज़ 20,000। ठीक है, ही नीडेड रुपीज़ 20,000, यह भी बोल सकते हैं ही नीडेड 20,000 रुपीज़। मुझे मदद की ज़रूरत नहीं थी, आई डोंट नीड हेल्प। ठीक है, अगर बोल देंगे मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं थी, आई डोंट नीड योर हेल्प। ठीक है, क्या उसे खाने की ज़रूरत थी, डिड शी नीड फूड, डिड शी नीड फूड। ठीक है, खाना खाने की नहीं, बस सिर्फ खाने की। ठीक है, किसी चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे, कोई एक्शन नहीं कर रहे हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल, वो हम आगे पढ़ेंगे जो नीड टू और नीडेड टू होगा। ठीक है, उसे कितने पैसे चाहिए थे, हाउ मच मनी डिड ही नीड, उसे कितने पैसे चाहिए थे, हाउ मच मनी डिड ही नीड। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और अच्छी तरह से दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, तो अब हम नीड टू और नीडेड टू को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा नीड टू। ठीक है, नीड टू भी देखें उसी सेंस में यूज़ होता है, समथिंग विच इज़ नीड टू डू। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक्शन हम कर रहे होंगे, किसी एक्शन को करने की हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, वहाँ पे तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना, यहाँ पे क्या, किसी काम को करने की ज़रूरत है हमें। जैसे सेंटेंस है उसे डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत है, जाने की एक्शन है ना, जाने वाला काम ना, उसके डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम नीड टू का यूज़ करेंगे। जैसे मुझे कपड़े ख़रीदने की ज़रूरत है, तो ख़रीदना एक अमल है, एक एक्शन है। ठीक है, तो इसमें एक्शन जाहिर हो रहा है नीड टू में। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखें फॉर्मूला क्या है, अफर्मेटिव में क्या होगा कि सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नीड और नीड्स। ठीक है, नीड्स हमारा कहाँ लगेगा, जब ही शी इट और सिंगुलर नेम हो। नीड जब लगेगा, जब हमारा आई वी, ठीक है, यू, दे और प्लूरल नेम हो। ठीक है, तो नीड जब हमारा लगेगा, जब हमारे पास आई वी यू दे और प्लूरल नेम होंगे, और नीड्स जब लगेगा, जब एस लग जाएगा उसके अंदर, तो ही शी इट एनी सिंगुलर नेम के साथ लगेगा वो। ठीक है, तो नीड टू नीड्स टू, फिर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट डू डज नॉट आएगा, डू डज नॉट भी उसी हिसाब से लगेगा, डू नॉट जब लगेगा जब आई वी यू दे और प्लूरल नेम होंगे, और डज नॉट जब लगेगा ही शी इट एनी सिंगुलर नेम होंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा नीड टू, अब यहाँ पे एस का इजाफा नहीं होगा क्योंकि डू ने ई एस अपने साथ ले लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, कन्फर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि डू डज पहले आ गए, फिर आ गया सब्जेक्ट, फिर नीड टू आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे ये हटा देती ताकि मैसिव बना इसका ख़त्म हो जाए। अब देखें इंटरोगेटिव में क्या होगा कि डब्ल्यू एच फैमिली पहले आ गया, फिर आ गया डू डस, फिर सब्जेक्ट, फिर नीड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सेंटेंसेस बनेंगे। हम इसको सेंटेंस की मदद से देख लेते हैं ताकि इसको अच्छी तरह से और समझ पाएँ। चलें बढ़ते हैं आगे। तो देखें सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, उसे डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत है। ठीक है, उसे, तो आ गया ही, और फिर आ गया नीड्स, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नीड्स आया। ठीक है, नीड में एस लग गया, फिर टू गो, नीड्स टू आ गया, फिर उसके बाद गो टू डॉक्टर। ठीक है, ही नीड्स टू गो टू डॉक्टर, तो ही क्या है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, फिर आ गया उसके बाद नीड्स, क्योंकि नीड में एस लग गया क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आ गया टू, नीड्स टू, यानी नीड्स टू आता है। ठीक है, फिर गो टू डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस यानी नेगेटिव सेंटेंस, उसे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ही डजंट नीड टू गो टू डॉक्टर। अब नीड हमारा कन्फर्मेटिव सेंटेंस, क्या उसे डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत है, डज ही नीड टू गो टू डॉक्टर, डज ही नीड टू गो टू डॉक्टर, उसे डॉक्टर के जाने की किस लिए ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है भाई, किस लिए ज़रूरत है, फॉर वॉट, जो कि हमारा नीड को जाहिर कर रहा होगा, जो कि हमारा आई वी यू दे वाला होगा, तो आई है यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, तो आई नीड टू बाय क्लॉथ्स, मुझे कपड़े ख़रीदने की ज़रूरत है, आई नीड टू बाय क्लॉथ्स। ठीक है, आई नीड टू बाय क्लॉथ्स, अब नीड में ऐसा नहीं लगे कि आई है यहाँ पे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, मुझे कपड़े ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू बाय क्लॉथ्स, आई डोंट नीड टू बाय क्लॉथ्स, क्या मुझे कपड़े ख़रीदने की ज़रूरत है, डू आई नीड टू बाय क्लॉथ्स, मुझे कौन से कपड़े ख़रीदने की ज़रूरत है, विच क्लॉथ्स डू आई नीड टू बाय। ठीक है,
तो पहला सेंटेंस है, तुम्हें चाय पीने की ज़रूरत है। तुम्हें चाय पीने की ज़रूरत है, तुम फालतू बातें कर रहे हो, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है तो तुम्हें चाय पीने की ज़रूरत है। यू नीड टू टेक टी, यू नीड टू टेक टी। उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, ही डजंट नीड टू कम हेयर, ही डजंट नीड टू कम हेयर। क्या उसे दवाई खाने की ज़रूरत है, डज शी नीड टू टेक मेडिसिन। उसे कहाँ जाने की ज़रूरत है, वेयर डज ही नीड टू गो। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तो समझ में आया होगा। अब हम नीडेड टू का यूज़ देखते हैं जो कि हम पास्ट में यूज़ करेंगे। देखें इसकी डेफिनेशन भी वही है कि समथिंग विच वॉज नीडेड टू डू, नीडेड टू डू। ठीक है, वॉज नीडेड टू यानी कोई काम हमें करना था, यानी करने की ज़रूरत थी। ठीक है, मैं देखें, हमें गाड़ी ख़रीदने की ज़रूरत थी, उसे एक किताब पढ़ने की ज़रूरत थी। एक किताब तो पढ़ लेता वो, किताब पढ़ने की ज़रूरत थी उसे। ठीक है, तो इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा नीडेड टू, वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कोई झंझट नहीं है, आई वी यू द ही शीट का, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट में होगा उसके साथ नीडेड टू ही लगेगा। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट डिड नॉट, डिड नॉट भी सबके साथ लग जाएगा, नीड टू आएगा, फिर आके वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नीडेड टू नहीं रहेगा बल्कि नीड टू आ जाएगा क्योंकि डिड ने सेकेंड फॉर्म ले ली है, यानी टू की सेकेंड फॉर्म ही तो होती है नीड, डिड। तो अब नीड में सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। कन्फर्मेटिव क्या है, डिड आ गया सबसे पहले, फिर आ गया सब्जेक्ट, फिर नीड टू, फिर वर्क फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डब्ल्यू एच फैमिली पहले आएगा, फिर आ गया डिड, फिर सब्जेक्ट, नीड टू, वर्क फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इसको सेंटेंस की मदद से देखते हैं ताकि इसको अच्छी तरह से और समझ पाएँ। हमें गाड़ी खरीदने की ज़रूरत थी, वी नीडेड टू बाय अ कार, वी नीडेड टू बाय अ कार। हमें गाड़ी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं थी, वी डिड नॉट नीड टू बाय अ कार। हमें गाड़ी ख़रीदने की ज़रूरत थी, क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्या हमें गाड़ी ख़रीदने की ज़रूरत थी, डिड वी नीड टू बाय अ कार। हमें कौन सी गाड़ी ख़रीदने की ज़रूरत थी, विच कार डिड वी नीड टू बाय। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, उसे एक किताब पढ़ने की ज़रूरत थी, ही नीडेड टू रीड अ बुक। देखिए ही के साथ भी नीडेड ही लगा, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं आया। तुम उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं थी, यू डोंट नीड टू मैक्रल विद हर। क्या माहीन को इस तरह बात करने की ज़रूरत थी, डिड माहीन नीड टू टॉक टू हर दिस वे, डिड माहीन नीड टू टॉक टू हर दिस वे। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उस वक्त उसे क्या खाने की ज़रूरत थी, व्हाट डिड ही नीड टू ईट एट दैट टाइम। ठीक है, तो आपको आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।